हेलो, स्विच ऑन करूँ। वहाँ से स्विच ऑन नहीं किया हुआ। ऑन नहीं, ये शायद खुल गया। तो जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 4:05 हुई है और मार्केट ने आज भी एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन आज से ये साबित कर दिया उसने कि अब मार्केट में कोई जगह नहीं है। तो मार्केट ने 937 का आज क्लोज किया है, लेकिन बैंक निफ्टी आज माइनस में बंद हुआ है। ठीक है, तो चलो एक जगह तो सुनवाई हुई। और बैंक निफ्टी आज देखो कल के क्लोज से भी नीचे लास्ट ट्रेड हो रहा है, और बैंक निफ्टी कल अच्छा गिरना चाहिए। चलिए अब मैं आ जाता हूँ, आपको आज बड़ा अनाउंसमेंट कर देता हूँ एक ही बार में, जो झमेला ख़त्म। एक तो कल बड़ा गैप डाउन होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, कल बड़ा गैप डाउन होगा, बड़ा गैप डाउन, छोटा मोटा नहीं, 100 से 150 पॉइंट का गैप डाउन कल की डेट में। और मैं ऑलमोस्ट 98% श्योर हूँ कल के लिए, 98%। कल से गिरावट चालू हो जाएगी, ये भी नाइन। और एक बड़ा स्टेटमेंट देता हूँ, और ये मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, 20,400 मेरा टारगेट है मिनिमम वेडनेसडे तक। कब तक? अगले वीक तक। अगर ये नहीं आता है तो मैं 6 महीना के लिए यूट्यूब छोड़ दूंगा, 6 महीना के लिए मैं कोई यूट्यूब का काम नहीं करूंगा, वादा कर दिया आप सबसे। ये मिनिमम टारगेट बोल रहा हूँ, आने के लिए ये आ जाएगा 19,890 तक भी, हाँ, लेकिन मैं इतना कन्फर्म बोल रहा हूँ। और आज की क्लोजिंग 20,937 है, और आज भी मेरे ख्याल में वेनेसडे ही है। अगले वेनेसडे तक आपको ये फिगर एट एनी कॉस्ट निफ्टी स्पॉट, मैं ये स्पॉट के फिगर बोल रहा हूँ, आएगा ही आएगा। दुनिया की कोई भी ताकत इसको रोक नहीं सकेगी, चाहे वाईफाई इसके बाप आ जाए। ठीक है, देख लीजिएगा अगले वेनेसडे तक आपका मिनिमम टारगेट 20,400, और पॉसिबल है कि हम 20,043 भी आए, 20,080 भी आए, और पॉसिबल ये भी है कि 19,900 तक भी आए। लेकिन इतना अगर नहीं आता 20,400 तो मैं छोड़ दूंगा 6 महीने के लिए, और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियल में 6 मंथ्स के लिए छोड़ूँ। ठीक है, आज की क्लोजिंग 937। अब आ जाते हैं एनालिसिस पे, ये तो हो गई बड़ी बड़ी बात है। आज एक हैंगिंग मैन बनाया टॉप पे, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। आज निफ्टी में एक अच्छा खासा हैंगिंग मैन बना टॉप पे। हैंगिंग मैन का मतलब होता है लटकता हुआ इंसान, और रेड कलर का बनता है तो बहुत ही ज़्यादा उसकी। देखिए सबसे मिनिमम टारगेट रखिए आप 20,400, लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 20,080 तक आए, और ये मंगलवार तक ही आ जाना चाहिए। मैं वेनेसडे का टाइम लिया हूँ, ठीक है, 20,400 वाला, लेकिन आपको मंगलवार तक तो 99% आ जाना चाहिए। ठीक है, ये तो पहला कारण हो गया कि मैं जो बोल रहा हूँ। दूसरा कारण RSI पे देखिए, 84.03 डेली RSI, हाईली ओवरबॉट, हाईली ओवरबॉट। ठीक है, इसको हाईली बोलते हैं। स्लो स्टॉकिस्टिक की क्लोजिंग 98.80, ये बोलता कि कल एक बार तो गैप, जैसे आज निफ्टी एक बार अचानक ऊपर खोल के देखा आपने, 150 पॉइंट गिराया था ऊपर से, 150 से ज़्यादा गिराया था, ये वैसा वाला ही है। कल ये गैप डाउन का इशारा कर रहा है, क्योंकि हैंगिंग मैन भी बन गया। अब आ जाते इंडिया विक्स भी, एक बार जरूर देख लेते हम लोग। PCR अभी देख के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है। आज भी विक्स बढ़ा है 2%, और ये बहुत अच्छा साइन है। देखिए विक्स का मैं अगर आपको चार्ट दिखाऊं तो विक्स कहीं ना कहीं एक बड़ी गिरावट का साइन दे रहा है, मतलब मार्केट उस तरफ जा रहा है। ये क्या आता है यार, तो बंद कैसे करता है यार, कोई IT वाला बंदा है तो बताओ इसको। ये मेरे बार बार आता है, कोई भी चीज़ खोलता तो लॉन्च करो इसको, ये अपडेट किया क्विक हिल को तो ऐसा हो गया।
वंडरफुल 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 ब्रेकआउट आ चुका आज। क्लोजिंग बेसिस में तो ब्रेकआउट आ गया है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है, ये टॉप लेता हूँ मैं, सोलह तक तो एक बार जाएगा ही जाएगा, सोलह तक क्या जाएगा विक्स, और ये सोलह तक जाएगा तो निफ्टी में 800 पॉइंट की कम से कम गिरावट आनी चाहिए, 700 से 800 पॉइंट। ये ब्रेकआउट आ गया, देखिए आप, इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, ये देखिए ब्रेकआउट आ गया आज, क्लोजिंग बेसिस ब्रेकआउट आ चुका है। अब इसका टारगेट, पहला पहला टारगेट 16 है, 16 मतलब कल से अच्छी गिरावट चालू होने वाली है। अब इसी को मैं कैंडलस्टिक में परिवर्तित करता हूँ, कैंडलस्टिक में अभी भी ब्रेकआउट नहीं आया, क्योंकि अगर आप कैंडल वाइज देखते हो तो ये जो हाई बने हुए हैं ना, ये सब फ्री हाई जैसे, मगर आप इसको क्लोजिंग बेसिस देखोगे लाइन चार्ट से, सॉरी तो आपको क्लियरली दिख रहा है, इसमें सिर्फ क्लोजिंग के फिगर आते हैं रोज के, तो ये अच्छा ब्रेकआउट। अब पहला टारगेट ही ये है 16.27, यहाँ तक तो जाना ही है, तो ये अच्छा साइन है बियर से, और बैंक निफ्टी का आज का चार्ट जरूर देखना चाहिए, नेगेटिव हुआ है टॉप पे। माय गुडनेस, बैंक निफ्टी तो ऐसा बता रहा है कि कपड़ा फार मंदी आएगी इसमें, क्या गजब कैंडल बनाया, क्या गजब, इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर, और कुछ लोग इसको बियरिश एंगल्फिंग भी बोल सकते हैं टॉप पे, ठीक है, लेकिन इसकी वीक को कवर नहीं किया, बॉडी को जरूर कवर किया, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का मिनिमम टारगेट आप लोग लिखो, मिनिमम टारगेट ₹45,450 स्पॉट में, कब तक, नेक्स्ट वेडनेसडे तक, ये मिनिमम है स्पॉट में, हाँ ये स्पॉट के फिगर 45,450, ये वेडनेसडे तक मिनिमम आएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके लिए गारंटी वाला वर्ड यूज़ नहीं करा, मैं निफ्टी के लिए किया हूँ, लेकिन इसके लिए भी लगभग यही चीज़ होने वाली। अभी बैंक निफ्टी कितना भी क्लोज हुआ है 46,834, ये मिनिमम बोल रहा हूँ आपको, आने के लिए ये 44,400 तक आ सकता है वेडनेसडे तक, फ्राइडे को आपकी क्रेडिट पॉलिसी है, तो दोनों में सिग्नल मिल गया, आज आप खुशियाँ मना सकते हो, वादा करता हूँ कल आपके चेहरे में बहुत खुशी होगी। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।